गुड स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन मैथ्स क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 9.1 स्टार्ट की थी और उसके 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके थे। आज की क्लास में हम 4 क्वेश्चंस से आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करेंगे। 5 एलिमेंट क्या लिखा हुआ है? द पॉइंट पी क्यू आर एस टी यू ए एंड बी ऑन द लंबा लाइन आर सच दैट टी आर इक्वल आर एस इक्वल एस यू एंड ए पी इक्वल पी क्यू इक्वल क्यू बी। मतलब इन सब के बीच में गेट इक्वल है। ये बोलना चाह रहा है कि यू एस इक्वल एस आर इक्वल आर टी ए पी इक्वल पी क्यू इक्वल क्यू बी। नंबर लाइन में गेट इक्वल होना चाहिए, इक्वल ही होना चाहिए, इक्वल ही होगा। इसके अंदर भी पूछा क्या आगे, नेम द रेशनल नंबर्स रिप्रेजेंट बाय पी क्यू आर एस। आपसे पूछा गया है कि P Q R S कौन से रेशनल नंबर से बने, रेशनल नंबर पूछा गया है। तो पहले किसके लिखे P का लिखे P P। अब P ध्यान से प्लस में, P किसमें प्लस में, प्लस में है P, वो 2 और 3 के बीच में है। 2 और 3 तो 2 तो कंप्लीट है, 2 तो कंप्लीट है। अब 2 और 3 के बीच में कितने पार्ट है, बता दीजिए। फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 2 और 3 के बीच में 3 कॉलम बने हुए, 3 बॉक्स। संख्या तो 2 ही है लेकिन पार्ट को कितने पार्ट है, 3 पार्ट। उन 3 पार्ट में से P कौन से पार्ट पर है, P P फर्स्ट पार्ट पर। तो फर्स्ट पार्ट कितने में से, 3 में से। तो ये हो गया P का रेशनल नंबर 2 1/3। ये मिक्स में है, आप सिंपल में कर लो, 3 2 6 7 1 3। एक को देखिए, अब Q को कौन, Q Q देखिए, Q भी 2 से बड़ा है, ठीक है। अब Q कौन से नंबर पे, 3 पार में से सेकंड वाले पे, तो ये आ गया 2/3, जोड़ दो 8/3। ऐसे आर और ऐसे एस, फर्क क्या है, वो माइनस में है, ये प्लस में है, ये दो आपको बैठा सभी को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। एक वर्ड दिया है सेम रेशनल नंबर, कि पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम रेशनल नंबर। जो नीचे आपको क्वेश्चन किया खूब सारे, इनमें से कौन से नंबर जो वो सेम है कौन से नहीं है वो पूछे गए। अब तो सेम है या नहीं है पता कैसे लगेगा, पता लगाने के लिए हमें सभी संख्या को छोटा करना है। छोटा मतलब जितना कटे उतना काटना है, जो नहीं कटे उसको नहीं काटना है, जो जितना कटे उतना छोटा करना है। अब देखो पहले माइनस में 3/5, ये नहीं करना है, 3/5 क्या 12/20 ये कटना है। किसे कटेगा, 4 से कट रहा है, किसे कट रहा है, 4 से, 2 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है। पहले जब 2 से काट लो तो सीधा 4 से काट लो, कोई फर्क नहीं है। मैंने 4 से काटा, 4 3 12 4 5 20, क्या ये सेम है, क्या सेम है? हाँ देखो 3/5 3/5 3/5 और 3/5। क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन सा नंबर सेम है कौन सा सेम नहीं है, तो लिखो यस दे रिप्रेजेंट सेम रेशनल नंबर, सेम जो नहीं है उसके लिए लेकिन नो, ये सेम है तो यस, नहीं तो नो। अब क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपको करते हैं। 7 में क्या पढ़ लो, 7 में लिखा है रीराइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है काट के छोटा करना। जैसे हमने 20 को किया ना, जैसे हमने लिखा 64/54, तो जितना कटे उतना काट लो, समझ गए। जैसे 56 कर, पहले हो गया 32/28, फिर 2 से कटा 16/14, फिर से कटा 8/7, बस अब नहीं कटेगा।
यह है सिंपलेस्ट फॉर्म। ये क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब रिड्यूस मेटर, जिसका नाम एक और मेटर, इसको एक बोलते हैं रिड्यूस फॉर्म या लोवेस्ट फॉर्म। क्या क्या बोलते हैं? लोवेस्ट फॉर्म या रिड्यूस फॉर्म। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए आगे क्वेश्चन नंबर एट। एट भी आपके लिए है, एट और नाइन दोनों सेम है, मैं आपको नाइन वाला बताऊंगा। एट में देखिए, एट में लिखा हुआ है फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, छोटा बड़ा बताना है। और नाइन में भी वो चीज पूछी, इसलिए नाइन वाला बता रहा हूं, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाइन वाला भी। यदि आप नाइन समझ लो तो एट हो जाएगा। नाइन वाले पूछा है विच इज द ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनमें से कौन सा बड़ा है। ध्यान रखना, जब बात आती है छोटे बड़े, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हमें एक काम करना होगा, सबसे पहले छोटा पूछे बड़ा पूछे या असेंडिंग ऑर्डर पूछे या डिसेंडिंग ऑर्डर पूछे, इन सभी के लिए सबसे पहले हमें एक काम करना है। क्या करना है? पहले रेमिक्स में इसको एक खत्म कर दूंगा, ये हो गया नहीं 23/7 एंड -19/5। अभी क्या करना होता है, जब छोटे बड़े की बात करें और असेंडिंग डिसेंडिंग पूछे हुए, तो क्या करना होगा हमें? सबसे पहले दो तरीके से, एक तो एलसीएम लेके एक बिना एलसीएम, तो हम ऐसे में खेले या फिर एलसीएम करें, दोनों कर दूंगा आपको। कि सबसे पहले एलसीएम ऑफ 7 and 5 35, दोनों का एलसीएम 35 आ गया। कल अपने क्वेश्चन में क्या बताया, ऐसे 7 को कितने से भरे पे 35 आ जाए, 7 को कितने से मल्टीप्लाई टू 35 आ जाए, फाइव से, तो दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 23/5 = 150। अभी ऐसे ही अगला है 19/5, इसको कितने से मल्टीप्लाई 35 आ जाए, 7 से, ये तो आगे 7 से 133। अब देखो, आप बता सकते हो कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये 115 है ये 133 है। माइनस की संख्या जो बड़ी होती है वास्तव में वो छोटी होती है, तो लिख दीजिए माइनस का 115/35 इज क्या, बड़ा छोटा है, ये माइनस का 133/33। अब इनकी जो एक्चुअल संख्या बोले तो एक्चुअल नंबर क्या है, 23/7 बड़ा है -19/5, ये अपना छोटा बड़ा वाला क्वेश्चन हो गया। अभी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अभी बताया तो असेंडिंग आ जाए तो डिसेंडिंग आ जाए, हम इसी पैटर्न से लेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 9 किया ना इसी पैटर्न से, तो तीनों का एलसीएम ऑर्डर करेंगे, तीनों का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 7 to 4, 7 to 4 का एलसीएम आएगा 28, कितना आएगा 28। अब देखते हैं 7 को कितने से मल्टीप्लाई करें 28 आ जाएगा, जल्दी से सोचो, 4 से, 4 से 12, अभी ठीक है 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें 28 आ जाएगा, 14, उसको ऊपर वाले से लेना होगा, फिर
फोर को कितने से मल्टीप्लाई करो, 28 आ जाएगा, 7 से। तो 7 को ऊपर वाले से भी करो। अब आपके जो क्वेश्चन दे रहा था उसमें अरेंज कर दीजिए, असेंडिंग दे रखा है क्या, इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए, छोटे से बड़ा। सबसे छोटा कौन है इसमें, सबसे छोटा कौन है, ये बड़ा, क्योंकि जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, माइनस किसी का माइनस होता होता है, 42/28 से बड़ा है, माइनस का 21/28 से बड़ा है, माइनस का 12/20। अब जो एक्चुअल नंबर बोले तो एक्चुअल नंबर क्या है, 3/2, फिर माइनस 3/4, फिर माइनस 3/7। ये असेंडिंग ऑर्डर जब अरेंज हो गए हैं सभी क्वेश्चंस के, तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। तो हमारे आज के इस क्लास के अंदर सभी क्वेश्चन कंप्लीट हुए, 9.1 एक्सरसाइज पूरी हो गई, और सभी बच्चे सारे कंप्लीट करेंगे रेफरेंस बुक में, उसके बाद फाइनल नोटबुक में सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।